सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। 18 मार्च 2020 और 21 मार्च 2020 को दो T20 मुकाबले खेले जाएंगे जो एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच में बांग्लादेश में खेले जाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको एशिया 11 का पूरा स्क्वाड बताने वाला हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली एशिया 11 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, तो वीडियो पूरा देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करें तो एशिया 11 के स्क्वाड में 6 भारतीय खिलाड़ियों का नाम निकल कर आया है। पूरा वीडियो देखोगे तो 6 के 6 नाम आपको पता चल जाएंगे। शुरुआत करते हैं तो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करी गई है यहां पर एशिया 11 की। शुरुआत करते हैं बल्लेबाजों से, तो यहां पर बल्लेबाजों में नाम आया है केएल राहुल का, शिखर धवन, तमीम इकबाल, विराट कोहली और लिटन दास का। इसके बाद बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो विकेट कीपर में नाम है ऋषभ पंत का और मुशफिकर रहीम का। इसके बाद बढ़ते हैं अब ऑलराउंडर्स की तरफ, तो ऑलराउंडर में 2 नाम निकल कर आए हैं, वो है तेसारा परेरा और राशिद खान को भी एक ऑलराउंडर के रूप में आप कंसिडर कर सकते हो। और इसके बाद आखिरी में बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में नाम है मुस्तफिजुर रहमान, संदीप लामाचीने, लासित मलिंगा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मुजीबुर रहमान। तो यहां पर 6 भारतीय खिलाड़ी आप नाम देख सकते हो, केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। यहां पर बात करें तो केएल राहुल और विराट कोहली सिर्फ एक मैच के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 18 मार्च को इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी मैच है, तो आई थिंक 18 मार्च वाला मुकाबला ही मिस करने वाले हैं केएल राहुल और विराट कोहली। बाकी केएल राहुल, विराट कोहली जो 21 मार्च वाला मुकाबला है, सेकंड T20 मुकाबला है, वो खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक और अपडेट आ रही है कि कोहली की सिलेक्शन अभी तक कंफर्म नहीं है। कोहली का हो सकता है कि अगर वो अवेलेबल हो तो खेल सकते हैं, कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जो पूरी कोहली को हटा के 14 मेंबर स्क्वाड है वो कंफर्म्ड है। और वहां पर भी एक केएल राहुल है जो आपको 18 मार्च वाला मुकाबला आई थिंक खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सो ये तो थी पूरी स्क्वाड जो आपको बता दी। अब आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड 11 की स्क्वाड क्या हो सकती है और कैसी क्या प्लेइंग 11 अब एशिया 11 की भी हो सकती है, कमेंट करके बिल्कुल से बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।